नमस्कार दोस्तों, एमिस्ट्री एंड स्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैलिफोर्निया में दुनिया के सबसे बड़े विमान ने सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान भरी है। दोस्तों, इस स्ट्रैटोलॉन्च विमान में 6 बोइंग 747 इंजन लगे हुए हैं। इस विमान की खासियत है कि इसमें 35,000 फीट की ऊंचाई पर रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं। दोस्तों, शनिवार को इस बड़े विमान ने अपनी पहली यात्रा मोजावे रेगिस्तान के ऊपर की। दोस्तों, जानकारी के अनुसार इस विमान का निर्माण अंतरिक्ष में रॉकेट ले जाने और उसे वहां छोड़ने के लिए किया गया है। दरअसल दोस्तों, यह रॉकेट उपग्रहों को अंतरिक्ष में उनकी कक्षा तक पहुंचाने में मदद करेगा। दोस्तों, मौजूदा समय में टेक ऑफ रॉकेट की मदद से उपग्रहों को कक्षा में भेजा जाता है। इसके मुकाबले उपग्रहों को कक्षा तक पहुंचाने में यह विकल्प ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, इसका निर्माण स्केल्ड कंपोजिट नाम की एक इंजीनियरिंग कंपनी ने किया है। यह विमान इतना बड़ा है कि इसके पंख का फैलाव एक फुटबॉल मैदान से ज्यादा है। दोस्तों, शनिवार को यह विमान हवा में करीब 2.5 घंटे तक रहा। इसने मैक्सिमम 304 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। दोस्तों, इस विमान में एक वक्त में 3 रॉकेट अटैच किए जा सकते हैं। स्ट्रैटोलॉन्च को 2011 में माइक्रोसॉफ्ट के दिवंगत सह संस्थापक पॉल जे एलन ने तैयार किया था, लेकिन दोस्तों 2018 में उनकी मृत्यु हो गई थी। स्ट्रैटोलॉन्च कंपनी की योजना खुद के रॉकेट भी तैयार करने की है। दोस्तों, यदि आप चाहते हो आगे भी इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहे, तो चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना। इसलिए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।